हरिओं अयम आरंभकर्माय शुभं भवतु शुभं भवतु मंगलं भवतु। नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय। ओं नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। हरिओं बागार्थविव संप्रुक्तं बागार्थं प्रतिपत्तये भवानी शंकरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ जगतर माता पिता। ये कार्तिक महात्म्यर पुण्य श्लोक एवं पुण्य सकाळ। से पुण्य श्लोक पुण्य सकाळ रे आपण मानंकु पुणि थरे स्वागत जणैला बळे। आजिर प्रसंग रे वृक्ष उत्थान प्रसंग। बटवृक्ष अश्वत्थ वृक्ष बा पिप्पल वृक्ष आउ पलास वृक्ष ये तीन वृक्षर कहानी। ये कहानी को प्रतिपादन कला बेले श्लोकरे श्लोकरे हुए तो प्रथम वंदना करिचे कोंठी ना जगतर पिता माता माँ पार्वती आउ अकर्म कर्मदायक मंगलमय भगवान शंकर। ये कैलास पर्वत कैलास पर्वत रे होची बासस्थान। से बासस्थान भितरे ये कैलासर गिरीशृंग बरफावृत गिरीशृंग भितरे उपस्थान करिथांती दुई जन जांक। जणे श्रद्धा जणे विश्वास। आउ से श्रद्धा विश्वासंकर स्वरूप रे प्रभु जेतेबेले विराजमान हेथांती प्रभु केमिते दृश्यमान होंती ना प्रभुंकर दृश्यमान सते जमिति दिव्य सुंदर चेतना भितरे ये प्रभु नटराज भूतभावन शंकर जो दिव्य रूप धारण करती से दिव्य रूप को वंदना करती किए ना माँ पार्वती ठाकुराणी। जगतर ठाकुराणी जगतर पिता दुई जन जाक बसस्थान कर स्थान हूँ कैलास। आउ से कैलास रे ये प्रभु को ध्यान कला बेले स्तुति कला बेले आपा ताल नभ स्थलांत भुवन ब्रह्मांड मा विस्फुर ज्योतिर्स्फटी कलिंग मौली विलसत पूर्णेन्दु कांता मृत्ये जह स्तुका प्लुतमेकमि समनिश रुद्रानुर्वाकान् जपन् रुद्रानुर्वाकान् जपन्। सही कैलास कंदरर कथा सही भूतभावन शंकर भगवान आ माँ पार्वती महाराणीकर कथा दिनकर कथा दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन रे प्रकृति पुरुषर मिलन ये हुए तो सृष्टिर नियम। आउ से सृष्टिर भव्य दिव्य नियम को प्रतिपादन करबा को दिने हुए तो प्रणय लीला रे जगतकर्ता भगवान शंकर आउ माँ पार्वती आलिंगन मुद्रा रे रतिसुख लाभ करिबा निमित्त अग्रसर होउथला बेले ये स्वार्थपर देवगण यांको मन भितर जागिला भय। विशेष करी इंद्र सबुबेले भय चली जीव कि इंद्रपद यही भावना भितर चिंता करुछंती।
जदि जगत पिता भूत भावन शंकर एवं माँ पार्वती प्रणय लीलू संतान जात हुए गोटाए मानस संतान जात होता जे गोटाए अग्निशिखार जात होता संतान जलंधर हुए तो ये कष्ट आठ जदि आउ गोटे संतान आसे तबे से संतान केत कष्ट नदब ये इंद्रर इंद्रपद आ रही तो यही चिंता चेतना भितर से दिन उमा महेश्वर मिलनर विरोधी साजापी ये इंद्र हुए तो मन मन चिंता करुच्ची कार्तिक महात्म्य सुंदर भाव वर्णना कर महादेव दास पद्मपुराण जो कार्तिक महात्म्य आम मैंने श्रवण करुथाई सुंदर चिंता चेतना भितर गीतरे गीतरे भाव भाव प्रकाश कर श्रवण करने पूर्वे जे वीर जलंधर रुद्र अंगर अवतार देवंकु जेते शास्ति देला से कथा कहु न सरीला एबे ईश्वर अंशु सुत पार्वती गर्भु हेला जात बेले होइब महाबली तेज सबुरी दर्प दड़ी होइब तिनि पुरे राजा देवंकु करिब पराजा एथकु लगु अछि भय बेलहु न कले उपाय पछन्ते हेब परमाद हेमन्ते बहि मने खेद जहाँ मु आपण मानको कथारे कथारे बतेइथिली गीतरे गीतरे महादेव दास सेई कथा कहुचंती देवतांकर भीति देवतांकर भय जदि प्रकृतरे ये शंकर पार्वतींक ओरसरु आउ गोटे संतान जन्म हुए से संतान हुए तो एमिति पराक्रमी हेब एमिति पराक्रमी हेब ये देवकुलकु रखेइ देबनि विरती परे कार्यक्रम भव्य दिव्य अगणा को आपण मानको स्वागत जनैला बेले देवगणंकर जेतेबेले ए भय भ्रांतिर कथा जाइकिर जनैचंती चतुरानन ब्रह्मांक पाखरे ब्रह्मा किंकर्तव्य विमूढ़ किंकर्तव्य विमूढ़ भाव ब्रह्मा जाउचंती कहा पाखकु ना अगतिर गति देवतांकर शेष गति वैकुंठाधीश प्रभु नारायणंक पाखकु दुई जणंकर कथाबार्ता होछि गोटिए पटरे पिताबह अन्य पटरे प्रभु नारायण कथाबार्ता भितर देवता कुल को जतबे निर्देश आसी किए भग्न करिबो किए बाधा सृष्टि करिबो ये मिलन रे देवतागण आहुरी भीतत्रस्त कहले थरे कंदर्प को पठेथिलु केवल टिके जोग भांगिबा पई तपस्या भांगिबा पई सेतिक रे कंदर्पर जहां अवस्था हला आमे जानिचु आहुरी जीवु केही जीवा को भय कला बेले शेषे दुई जन किए ना जणे जगत पिता हे लोक पिता जगत जन पिता ब्रह्मांड नाथ पिता पंच प्राण पिता महीधर पिता हे चंद्र सूर्य पिता गंगा नद्यानीर प्रवाहक पिता हे नाथ भूमि पिता श्रीकंठ पिता हे पितामह पिता त्राही तमे प्रभु ये पिता मह पिता ब्रह्मा आउ अपर पक्ष बाहरी प्रभु तद विष्णु परंग पद सदा पश्यन्ति सुरय दिवीभु चक्षुराज तं नमः नारायणाय ये ब्रह्मा आ विष्णु दि जन जाक बाहर पुणी रूप कहार ना ब्राह्मण रूप ब्राह्मण रूप नहीं दुज जाक जाकर पहुँचीगले कैलास पर्वतर अपरूप शोभा धारण कर कैलास सुंदर भाव बसंत ऋतुर विराजमान शोभा अपरूप सुंदर शोभा भितर कोईलीर कुहुतान शुभुची प्रकृति राणी सत जमी सजई होती आई सजई होता प्रकृति राणी भितर श्रृंगार रस में माति किए ना श्रद्धा विश्वास भूत भावन शंकर आ पार्वती महाराणी शैलाधिराज तनया से श्रृंगार रस को बासे श्रृंगार लीलें बाधा सृष्टि करने निमित्त से मिलन में बाधा सृष्टि करने निमित्त से रति सुखर बाधा सृष्टि करने निमित्त वेदमंत्र गान कले
वेदमंत्र गान करने को जाते वेदध्वनि करने को ब्राह्मण रूप से जाती जो प्रकार वेदध्वनि करेंगे जहाँ किसी कार्य करेंगे से कार्य करने को से कार्यर शैली को प्रणाली को पुराण वर्णना कर सुंदर भाव दिव्य चेतन महादेव दास कार्तिक महात्म्य गीतरे गीतरे केमिति भावरे ब्राह्मण रूप धरी बेगे उभा होइले तंकागे ओंकार कले वेद ध्वनि सुनि शंकर लज्जागेनी उपेक्षी पार्वती संगते ब्रह्मा निकटे उपगते निज स्वरूपे तिनि मूर्ति लाजे रहिले मथापति ता देखि उमा कले गोप बोइले त महाबाप कैलास पर्वतरे उपस्थित होगला बेले जो कथा आपणको कथारे शुणैथिलि आरंभ कर दैछन्ति वेदध्वनि सामवेदर गायन ओ अभ्य सम्भूता पृथ्वी रसाच विश्वकर्मण समवर्दताग्रे तस्यापदृष्ट्वा तु विदध्रूपमेति तन्मर्ष देव त्वमाजानमग्रे यही भाव वेदध्वनि वेदध्वनि जितेबाला आरंभ हो जाए शंकर भगवान कर्ण से बाजिला वेदध्वनि इतस्तत हो गले भगवान शंकर जापारे कहले ये वेदध्वनि आउ कह नुह स्वयं नारायण उपस्थित होती ब्रह्मदेव उपस्थित होती रतिक्रीड़ा को छाड़ पत्नी के हेत पर आसी पहुँचीगले त्रिदेव एकत्रित भगवान शंकर को देखिले लाजलाज मुख श्रृंगार बेश लगी नारी श्रृंगार हेत मुखमंडल शोभा को आहरी परिवर्धित कर आसिक जिते दुई देवता पाखे ढड़ा हो जाती दुईज जाक मथानत कर लाजलाज भाव ढड़ाई एक सीना ढड़ा पड़े देवता तीन जन जाक रतिसुख सीना भांगिगला हेले माँ पार्वती जो पार्वती महाराणी क्रोध हेले क्रोधर भाव ने जी स्वयं अग्नि स्वरूपा पार्वती महाराणी मनरे जगिला क्रोध भाव कहले अच्छा अच्छा सांसारिक सुखरे भी भाग बसवा बस सांसारिक सुखरे भी प्रतिबंधक साजिबा को आसिल तुम्हें जी हो ना कहीं तुम्हें जी हो ना कहीं मु शक्ति स्वरूपा जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहले शक्ति रूपेण संस्थिता से शक्तिर भाव तुम्हें देखिन जाणिन चिन्हिन मत से शक्तिर स्वरूप जगत को जाली दे पारे आई भाव विचार भितर माँ आज क्रोध जर्जरिता माँ आज क्रोध जर्जरिता व्यास लिखिले कहले एवं सा पार्वती देवी न समतं क्रुद्धमानस तस्माद् वृक्षतमापनः सर्वे देव गणंगिल रागिगले माँ कहले ठीक अच्छी ठीक अच्छी जीव जगतर ये तो गोटे विधि जीव जगत पर ये तो गोटे क्रिया तुम्हें सृष्टि करिछ निजे सृष्टिकर्ता उपस्थित अछ जदि ये क्रिया रे बाधा देल तबे जहाँ पाई ये क्रिया करिन जहाँ पाई ये क्रिया नहीं ये मैथुन क्रिया भाई जो रतिसुखर क्रिया जहाँ पाई नहीं तुम्हें से आवृत वृक्ष रूप से विराजित हुओ से गति तुमको प्राप्त हो आवृत गति रे तुम्हें रही जाओ संसार रे जीव जगत भितर हुए तो वृक्ष जीव बा जीवन पाई जिनस वृक्ष भितर जीवसत्ता अच्छे किंतु से जीवसत्ता हूँ आवृत जीवसत्ता से जीवसत्तार मैथुन सुख ना रतिसुख ना मिलनर सुख ना तेणु से आवृत जीवसत्तार रही माँ से दिन अभिशाप देदेला अभिशाप प्राप्त होगापर
ये तीन देवता तीन वृक्ष, तीन देवता तीन वृक्ष, ब्रह्मा पलाश वृक्ष, अपूज्य ब्रह्मा पलाश गच्छ, कौनसी पूजा कार्य लगे नहीं पलाश फूल, केवल जमिति आम ब्रह्मावरण करू क्षणिक मात्र पूजा रे ब्रह्मा उपयोगित होंती, सेमिति व्रतघर समय रे ब्रह्मचर्य ग्रहण करिबा समय रे ये पलाश दंड को ब्रह्मचारी माने धारण करंती, सेतिके होचि ब्रह्मांगर कार्य। आ भगवान शंकर अकर्म कर्मदायक भूत भावन पार्वती रमण हेले कौ वृक्ष ना बटवृक्ष, कल्पे कल्पे बटवृक्ष भाव रे विराजित हेले, सेथिपाई वृक्ष हला कल्पवट। आउ ये कल्पवटरे प्रभु मध्य शंकर आ हरिहरंकर कथा मुझे आपल विदग्ध शत्रुमंडली भितर भिन्नता ना, तेणु ये बटवृक्ष प्रभु भी लीला कले केतबेले ना जितेबेले महाप्रलय आसला ये प्रभु छोटिया रूपटीए हई बटपत्र उपरे अति सुंदर भाव में विराजित हेले, केमिति विराजित हेले शास्त्र कहले कहले करार बिन्दे चमुखा पदार बिन्दम मुखार बिन्दे चबिनिवे सायन्दम आउ वटस्य पुटस्य पत्रे सयनम बाल मुकुंद मनसा स्मरामी बाल मुकुंद मनसा स्मरामी बाल मुकुंद रूपरे ये बटवृक्ष उपरे करार बिंदे च पदार बिंदम प्रभुंकर तो सबु अरबिंद सबु अरबिंद, तेणु से अरबिंदर कथा प्रसंग आग को शुणा निश्चित, तेबे से कर अरबिंद पद अरबिंद को धरी मुख अरबिंद भितर निवेश करिथिला बेले जो छोटिया शिशु से बाल मुकुंद को बारंबार प्रणाम जनईला बेले से प्रभु बसस्थान करिथिले से कल्पवटर गोटे वृक्षर पत्र टीए उपरे, तेणु ये हेले कल्पवट, तेणु ये कल्पवट ये जेतेबेले वृक्ष रूप धारण कले एक खाली मुँह कहूनी मो कथा को मध्य प्रमाण करबा को गला बेले कार्तिक महात्म्य रे पद्म पुराण रे सुंदर भाव रे गीत रे सजेई छंती महादेव दास हर भुवन कपिरासे मिलले गौरी को पासे स्तुति वचने देवताए बोलंती सुनो महामाए जय ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण जगते जेते जीव जंतु एतिनि देवंकर हेतु राजस शक्ति कतमस उत्पत्ति पालन विनाश एणे ब्रह्माए विष्णु शिव तेणु ये तीन देव को तीन वृक्ष रूप से विराजमान हवा को पड़ा बटवृक्ष भाग में भगवान शंकर विराजित होता बेले अश्वतथ बा पिप्पल जहाँ को पुराण पिप्पल बोली लिखी से पिप्पल होती विष्णु वृक्ष भगवान नारायण अश्वतथ वृक्ष भाव में विराजित हेले आई विराजमान स्थित को सुंदर भाव में पद्मपुराण वर्णना करीतरे गीतरे महादेव दास अपूर्व चिंतन भाव में वर्णना करी भाषा आई भाषार प्रसंग को वर्णना करने को गला बेले अश्वतथ वृक्ष बा विष्णु वृक्ष बोली आम जहाँ को जानूचे ता महिमा किपरी आसतु श्रवण कर संसारे बट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे तेणु कल्प वृक्ष नाम अपुटे पुरुष उत्तम प्रलय जले बास करे बाल मुकुंद नाम धरे बाल मुकुंद रूपरे प्रलय काल रे विराजमान करिसंती किए ना भगवान शंकर सी हेले कल्पवट आ
आ विष्णु वृक्षर महिमा आसंत श्रवण करवा पुणी विष्णु वृक्ष अश्वतथर महिमा परवर्ती पर्याय पुणी महादेव दास जे बण जन ज्ञान जयते बट बिना से शास्त्र घाते तार सुकृत जेते थाए वृक्ष छेदन मात्रे जाए कपिलावध कला दोष शरीरे हुए परवेश पुणी संसारे जेते दिन करई शिव दर्शन। ये जो वृक्षर महिमा को आम वर्णना करूथाई से हो बा बट वृक्ष हो बा अश्वतथ वृक्ष ये वृक्ष संसार पर लाभदायी से संसार पर लाभदायी होता वृक्ष को जदि छेदन कराए बा से वृक्ष कहीं कुठाराघात कै से पापाविष्ट हुए से कथा पुराण वर्णना करु समय इंगित बर्तमान ये कार्यक्रम शेष पर्यायर पहुँचवा को पड़ यू इतिवृत्ति में जवाक पड़ तेणु से ही भावनार उचाट भितर समय कहूँ हरिनामर हरि हरि शरण सरोज पादे हेतु बलि भावा आउ न मिलिबा न मिलन्ति हरि वेदे न मिलन्ति हरि वेदे बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।